एम्बुलेंस अंदर आ रही है, ये कैमरामैन सुरेंद्र से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाई, एम्बुलेंस अंदर प्रवेश कर गई है। बिल्कुल, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ यहाँ जमा है, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एम्बुलेंस अंदर आ गई है, और सुखदेव गोगा मेडी जिंदाबाद, अमर रहे के नारे लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल विनोद, ये तस्वीरें यहाँ पहुँच, देखिए आप अब जी, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जी। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देखिए पार्थिव देह यहाँ पहुंच गई है गोगा मेडी की, उनके परिजन एम्बुलेंस में हैं। तमाम लोग जिनको सुबह से इंतजार था अंतिम दर्शन का, वो अंतिम दर्शन के लिए हैं, और बाहर जो समाज बंधु समाज के लोग खड़े थे, सर्व समाज के लोग खड़े थे, वो भी अब अंदर आ गए अंतिम दर्शन करने के लिए। देखिए पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, देखिए नारेबाजी के बीच, देखिए आप कार्यक्रम, पहले राजपूत सभा के अध्यक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं राजपूत सभा भवन के पदाधिकारी, उसके बाद एक एक कर सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे, नमन करेंगे शख्सियत को जिसने समाज के लिए बहुत काम करा, छत्तीस कौम के लिए बहुत काम करा, और एक एक कर अंतिम दर्शन के साथ ही पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। फांसी दो, फांसी दो, नारेबाजी के बीच देखिए आप, दोषियों को फांसी दो। बिल्कुल विनोद, ये तस्वीरें, क्योंकि लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ता है ऐसे समय में, लेकिन काफी संवेदनशील और ये दुखद समय सुखदेव सिंह गोगामेडी जिन्हें संभवतः जब इससे पहले जब ये घटनाक्रम नहीं हुआ था, जब जब देखते थे काफी रॉबिली छवि उनकी नजर आती थी और अच्छे वक्ता वो थे, लेकिन इस घटनाक्रम ने सभी को झकझोर कर रख दिया, और उसके बाद में आज अपने अंतिम सफर पर वो क्योंकि निकलने वाले हैं, समाज के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। विनोद, वाकई में ये जो भावनाओं का एक उबाल है ये नजर आ रहा है बाहर लोगों में, लोग उन्हें नमन भी कर रहे हैं, सुखदेव दादा अमर रहे भी कह रहे हैं, और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। विनोद, आवाज पहुंच रही है अब तक। इंतजार था कि पार्थिव देह पहुंचे अंतिम दर्शन करें, यहाँ से पार्थिव देह एक घंटे रुकने के बाद भवानी निकेतन जाएगी, वहां से गोगा मेडी के लिए रवाना होगी, और बीच में जितने भी गांव पड़ते हैं 150 गांव जितने भी हैं सबको मैसेज हो गया है, सब हाईवे पर आएंगे, अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और देखिए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हर कोई नमन कर रहा है, अंतिम दर्शन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, पुलिस अपनी जगह है, पुलिस ने लॉ ऑर्डर बना रखा है, तमाम लोग समाज बंधु और राजपूत समाज के अलावा सर्व समाज के लोग उनके अंतिम दर्शन करने यहाँ आ रहे हैं, और एक एक कर अंतिम दर्शन करने के साथ ही देखिए पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है उस शख्सियत को जिसने समाज के लिए बहुत कुछ किया, सर्व समाज के लिए बहुत कुछ किया, और जिस तरीके से दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारी गई, उसके बाद 40 घंटे तक धरना चला शांतिपूर्ण तरीके से, और अब सहमति बनने के बाद 72 घंटे में हत्यारों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, पुलिस ने दावा किया। बिल्कुल विनोद, तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला, और देखिए तस्वीरें दर्शक संध्या पर जब सबसे पहले देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये कि इसमें भूमिका कई लोगों की खास हो जाती है, जरूरी हो जाती है, पुलिस की भूमिका बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि पुलिस को जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाना है कि शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था, ये दो चीजें सबसे पहली प्राथमिकता। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से तस्वीरें हैं, SMS से जब निकले मोर्चे के बाहर से तस्वीरें, सबसे पहले हमारे सहयोगी सत्यनारायण ने दिखाई, दर्शन आपको करवाए, समाज के लोग